नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही भारत का एक मैसिव एम्बिशियस 75x25 प्लान लॉन्च किया गया। इस प्लान के अंतर्गत 2025 तक 75 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट्स एंड डायबिटीज पेशेंट्स को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जाएगी। क्या है पूरा ये मिशन, क्या क्या इसमें प्रावधान रखे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू दीज फिगर्स आज के सेशन में हम करने वाले हैं डिस्कस। दीज आर द न्यूज हेडलाइंस। बिफोर वी जम्प इन टू द सेशन, मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं अग्निपथ बैच के बारे में, जो 8 दिनों में शुरू हो जाएगा, ये लाइव हो जाएगा। अभी एनरोल कर लीजिए स्पेशल प्राइस पे विद माई कोड ND Live 10। नाउ ये कोड यूज करने के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो ही आपको ये प्राइस मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसमें, जैसे 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू का, 40 टेस्ट होंगे प्रिलिम्स के, 10 मेंस के, तो मतलब आपका टेस्ट सीरीज भी सॉर्टेड है। मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा इसी 8,000 रुपए के अमाउंट में। सेशन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज देयर ऑन द इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो इन द पिंड कॉमेंट। इसके अलावा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, वी आर गोइंग टू सॉर्ट देम आउट। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज की। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अपना बेहद एम्बिशियस 75x25 प्लान, जिसके द्वारा 75 मिलियन जो हाइपरटेंसिव, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी जिसको हम कह सकते हैं, या और डायबिटिक पॉपुलेशन को लाया जाएगा स्टैंडर्ड केयर के अंडर बाय 2025, 2025 तक। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज होगी अगेंस्ट दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि भारत शुरू करने वाला है। ना, ये जो मैसिव प्रोजेक्ट है इसको शुरू कर दिया गया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी 17 मई को, और इसका कंडक्शन जो हुआ है वो किया गया है थ्रू कंट्रीज वास्ट नेटवर्क ऑफ PHCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बताया कि 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो के लिए फॉर दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स को नहीं ट्रांसफर होते हैं, कम्युनिकेबल जैसे कोविड है, इट वॉज अ कम्युनिकेबल डिजीज, राइट? तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 40,000 PHC के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इनको ट्रेन भी किया जाएगा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए सो दैट दे कैन मीट द टारगेट थ्रू दिस सशक्त पोर्टल। सशक्त पोर्टल याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा सशक्त पोर्टल के थ्रू यहाँ पर ये पूरा वर्क फ्लो होगा जिसमें इनको ट्रेन किया जाएगा। नाउ इससे इंडिकेट किया जाता है कि ये क्लियरली रिजॉल्व करता है सरकार का जो उद्देश्य है टू एड्रेस दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें क्या क्या चीजें की गई हैं? सबसे पहले एलोकेट किया गया है रिसोर्सेज को, एलोकेशन किया गया है। आप देख सकते हैं हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे या जो PHCs है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग PHCs है, उनसे काम कराया जाएगा। 40,000 और मेडिकल ऑफिसर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कैपेसिटी एनहांसमेंट किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को कवर अप किया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्टैंडर्ड केयर के अंडर लाया जाएगा। मोबिलाइजेशन होगा और मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ना, अगर हम देश की बात करें तो हमारे यहाँ 200 मिलियन हाइपरटेंसिव लोग हैं और 10 में से हर एक व्यक्ति, एक अडल्ट डायबिटिक है भारत में। NCDs रिस्पॉन्सिबल है फॉर 63% ऑफ डेथ्स इन इंडिया। 63% जो मृत्यु होती है भारत में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है। इनमें से 55% प्री मेच्योर होती है, मतलब अपनी पूरी आयु भी अटेन नहीं करते हैं, उससे पहले मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज डिजीजेस। ये जो कंडीशंस हैं, दीज लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रीनल फेलियर, ब्लाइंडनेस, इस तरह की यहाँ पर समस्याएं होती हैं। नाउ स्ट्रैटेजी है कि स्केल अप किया जा सके हाइपरटेंशन कंट्रोल को, इक्विप किया जा सके जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको विद प्रोटोकॉल्स टू कीप डायबिटीज अंडर चेक एंड रिड्यूस ऑर्गन डैमेज। हम सभी जानते हैं जब डायबिटीज होता है तो इसमें ऑर्गन डैमेज के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो उसको चेक किया जा सके। नाउ 63% जो डेथ्स है उसमें आपको मैंने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है उसमें अगर हम परसेंटेज ऑफ डेथ देखें तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज अकाउंट फॉर 27% ऑफ ओवरऑल मोर्टेलिटी। उसके बाद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज 11%, कैंसर 9%, डायबिटीज 3% और बाकी डिजीजे 13% यहाँ पर अकाउंट करते हैं। एनसीडी जो है उसके पोर्टल के अकॉर्डिंग, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग, 26,42,038 डायबिटिक पेशेंट्स
अंडर ट्रीटमेंट थे मार्च 2023 में अगेंस्ट 62,30,165 हाइपरटेंसिव्स, जो कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था 500 714 क्लिनिक्स और 6,068 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। तो आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं कितना बड़ा है। डायबिटीज के कंपैरिजन में हाइपरटेंसिव्स की जो फिगर है वो कई गुना है, 3 गुना कम से कम है यहाँ पर। ना जो भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं वो कवर करेंगे पॉपुलेशन ऑफ 5,000, मतलब हर हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है 5,000 की पॉपुलेशन कवर करेगा, जिसमें 1,850 जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी स्क्रीनिंग 2025 तक कर दी जाएगी। इसके अलावा 80% जो होंगे दे विल बी पुट ऑन ट्रीटमेंट बाय दिसंबर 2025। तो 80% ऑफ दीज पेशेंट्स विल बी पुट अंडर द ट्रीटमेंट बाय दिसंबर 2025, व्हिच इज गोइंग टू बी अ मैसिव नंबर हियर। नाउ मिनिस्ट्री ने जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं उनको भी रिलीज कर दिया है ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 2023 से 2030 तक। तो ये काफी अगेन एक नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर लाया जाएगा फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी। 2023 से 2030 तक का टारगेट है, उसके लिए भी ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू कर दी गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर WHO की रीजनल डायरेक्टर जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन की, पूनम खेत्रपाल, उन्होंने भारत के इन प्रयासों की काफी प्रशंसा की है, अपलोड किया है भारत के कमिटमेंट को टू दिस प्राइमरी हेल्थ केयर। और यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरह से 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स ऑपरेशनलाइज हुए हैं भारत में और किस तरह से एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। यहाँ पर उन्होंने बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनको भी अर्ज किया है कि वो भी नए और इफेक्टिव रीजनल रोड मैप को तैयार की करें ताकि एक्सलरेट किया जा सके एनसीडी कंट्रोल को। नाउ क्यों ये एक बहुत बड़े लेवल पर या मैसिव लेवल पर करने की बात हो रही है, क्योंकि एज पर WHO जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं 74% मृत्यु के लिए पूरे विश्व भर में। 74% ऑफ डेथ्स आर फ्रॉम दीज एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डायबिटीज, ये सभी डिजीजेस इंक्लूडेड हैं। इसी वजह से भारत का जो ये प्रयास है इसकी इतनी प्रशंसा भी हो रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 26 तारीख को बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ 2023 हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आएगी लास्ट मिनट ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स। जरूर हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं। 28 मई जब आपका पेपर होगा तो हमारा पहला रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 पेपर, इसमें कट ऑफ और हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। पूरी टीम आपको एक साथ मिलेगी। वहीं 28 मई को शाम को 6:30 बजे पूरा एनालिसिस किया जाएगा पेपर 1 का जीएस का। यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की जो आपकी तैयारी में आपके साथ है थ्रू एंड थ्रू। अभी जुड़ जाइए अग्निपथ बैच के द्वारा। हिंदी मीडियम बैच जो है हमारा वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड ND Live 10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन डिटेल्स गिवन है, यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं अपने डूज एंड डोंट्स के लिए। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये क्यू आर कोड स्कैन करना होगा और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपकी सभी क्वेरीज डाउट कंफ्यूजन के लिए। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर।